बनाने वाले हैं हमारा बेक्ड मैगी डिश। उसके लिए हमने लिया है मैगी, वो स्पाइसी वाला होता है ना, वो वाला। उसे एक बेकिंग प्लेट में डाल देना है, उसके ऊपर से थोड़ा सा वाटर डाल दिया ताकि यू नो बन जाए अच्छे से। देन उसके ऊपर से हम लोग डालेंगे केचप एंड टेस्ट मेकर, बिकॉज ऑब्वियसली टेस्ट मेकर के बिना टेस्ट कहाँ से आएगा। इसको अच्छे से स्प्रेड कर दो, देन ऊपर से डाल दो मेयोनीज। अगर आपको मेयोनीज ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हो। एनीवेज उसके बाद ऊपर से डालेंगे हम लोग टमेटोज एंड कैप्सिकम। आपको जो मर्जी मीन जो भी फ्रिज में रखा हो ना सब्जी वो उठा के डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आलू मत डालना। उसके बाद ऊपर से डालेंगे हम लोग चीज़, बिकॉज चीज़ मेक्स एवरीथिंग सो बेटर। उसके ऊपर से डालेंगे हम लोग ऑरेगानो एंड चिली फ्लेक्स। फिर इसको बेक कर देंगे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 minutes। बट 5 to 6 minutes के बाद आप देख सकते हो कि वाटर तो साइड में है इसके, बट जो सेंटर है ना वो थोड़ा सा टफ था, यू नो कच्चा था थोड़ा सा, इसलिए हमने क्या किया ऊपर से थोड़ा सा और पानी डाल दिया, उसे फिर से बेक करने के लिए डाल दिया। और इसके बाद हमने इसको 3 to 4 minutes के लिए फिर से बेक किया। उसके बाद दिख के तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, बट वो तो टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। बट पहले बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन तो आपको आँखों से ही पता चल जाता है, और देख के मैं बता रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मीन्स मैगी का भी मज़ा है इसमें, पिज़्ज़ा का भी मज़ा है, थोड़ा लज़ानिया का भी मज़ा लग रहा है मुझे।